हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विशाल सिंह परियार। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर प्रोफेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं EWS के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट होते हैं कि EWS के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज हैं उनका आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो जिससे सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपके मन में EWS के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जब SSC में हम DV में जाते हैं तो हमें अपना EWS दिखाना पड़ता है। तो SSC क्या करती है कि और सर्टिफिकेट जो होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, SC, ST, उनके लिए क्रूशियल डेट देता है कि इस डेट से पहले के होने चाहिए, जो कि लगभग जो कि मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है वो तब तक ही होती है क्रूशियल डेट। लेकिन EWS के उसके केस में ऐसा नहीं है। EWS के केस में देखा जाता है फाइनेंशियल ईयर, ना कि डेट। ठीक है, जैसे कि आपको अगर 22-23 में DV कराना है तो आपको 21-22 का होना चाहिए। समझ गए? तो कुछ लोगों को डाउट ये रहता है कि मतलब फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो फॉर्मेट जो है SSC के जो नोटिफिकेशन आता है उसमें नीचे दिया होता है कि इस उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, और स्टेट का नहीं चलता है इसमें। इसमें SSC के लिए चाहिए हमें सेंट्रल का। ठीक है, कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान हो गया और भी कई राज्य हैं जिनमें स्टेट का अलग बनता है और सेंट्रल का अलग बनता है। तो SSC के लिए चाहिए हमें सेंट्रल का, ना कि स्टेट का। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, ये डेट का कोई इशू नहीं है SSC में, EWS के उसमें SSC का। तो आपको क्या करना है कि बस जो फाइनेंशियल ईयर जो मांगा हुआ है वो होना चाहिए आपका। ठीक है, जैसे कि अभी जो DV इस बार हो रहे हैं उनके लिए मांगा है वैलिड फॉर 2022-23 एंड फाइनेंशियल ईयर उसमें है 21-22 का। ठीक है, बस यही है, और डेट का कोई इशू नहीं है, कोई चक्कर नहीं डेट का। और आपका नाम वगैरह जो उसमें नाम है, पापा का नाम है, आपके गांव, आपकी जाति जो भी है उसमें वैध मेंशन होनी चाहिए एक सही फॉर्मेट में। नाम पापा के नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जब से आपके 10th की मार्कशीट में है वैसा ही सही होना चाहिए। ठीक है, और बस यही है। तो और कोई आपके डाउट्स हों इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपकी इस वीडियो से कोई हेल्प हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।